केस इतनी लो है कि हमें ऐसे झुक कर बैठना पड़ रहा है। आज है वियतनाम में हमारा 8th डे एंड आज हम निकले हैं निन बिन टूर के लिए जो कि हनोई से है। यस, हनोई से कुछ अप्रॉक्स 1.5 घंटे की दूरी पे 120 किलोमीटर निन बिन टूर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक पगोड़ा विजिट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक 5-स्टार लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग सीनरी देखते हुए माउंटेंस के नीचे से माउंटेंस के अंदर से वी गो टू मुआ केव्स। सो अलग अलग एक्टिविटीज़ होने वाली है, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हमने टोपी क्यों पहनी है तो बताओ पहले। हमने टोपी पहनी है गर्मी से बचने के लिए, बिकॉज यहाँ पर लोकल्स गर्मी से बचने के लिए टोपी पहनते हैं एंड ये टोपी बहुत यूजफुल है, हमको हमारी गर्मी से बचा रही है। एंड प्लस हमने पहने हैं वाइट कपड़े। पूरा रिसर्च करके आने के बाद वी स्टार्ट आवर टूर। लेट्स गो। बन्नी, थैंक यू। वियतनाम में 8वां दिन है और पहली बार बन्नी आज ट्राई किया है और साथ में मैंगो स्मूदी। इसलिए साथ में मैंने इंडियंस की तरह सॉस ले लिया है, देखते हैं भी क्या फ्लेवर है। पहला स्टॉप है, हम कहाँ आए हैं? हम लोग आए हैं एक पगोड़ा। पगोड़ा मतलब एक मंदिर, यहाँ पर मंदिर बोला जाता है पगोड़ा को। तो हम लोग आए हैं अभी त्रंग टैंपटॉप। ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, यहाँ पर होगा हमारा लंच। Thank you.
वीगन फूड आई गेस दिस टोफू करी देन स्टीम वेजिटेबल्स टोफू बोल and then sticky rice and soup and sweet potato. Hi. So this is all non-vegetarian food. और यहाँ पर non-vegetarian का भी बहुत options हैं और इधर salads हैं, spring rolls हैं, fruits हैं. So आज lunch के बहुत सारे options हैं मेरे लिए भी. थैंक यू. तो अभी इस ट्रिप का है तीसरा स्टॉप जहाँ पर हम जा रहे हैं बैम्बू बोट राइड के लिए. तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कितनी केव से हमें ये लेकर जाएंगे. दोपहर के 2 बजे हम जा रहे हैं कड़कती धूप को सेकने के लिए बैम्बू राइड के लिए. वाह क्या आइडिया है. स्पॉट दादा छाता का है और किसने कहा था तुमने कहा था कुछ भी कुछ हो जाता ना एक्सपीरियंस खराब ये इसकी वजह से हुआ है ये इसने बोला था कुछ भी कोई ट्रिप नहीं होता अभी ब्लॉक चालू इसलिए बोल रही है. कल सिटी टूर भी आपने देखा था इसलिए करवाया था. वो ठीक है वो टॉर्चर थी वो शाम का टॉर्चर था ये तुम्हारा टॉर्चर है. ये बॉय तीसरी केव है जिसके अंदर से निकल रहे हैं. केव के अंदर काफ़ी ठंडा फील होता है. बाहर थोड़ी धूप है गर्मी है लेकिन यहाँ अच्छी खासी ठंडक है. केव इतनी लो है कि हमें ऐसे झुक कर बैठना पड़ रहा है. थैंक यू. ये तो मैंने ट्रिप बनाया था. ये तो मेरी वजह से आए हैं. तो 4 केव्स दिखाने के बाद एक आइलैंड पे ये टेंपल है जहाँ पर हमें इन्होंने भी ड्रॉप किया. आगे फिर से हमें पिकअप करेंगे. 4 दिन हनोई में मेजर फ्लड्स आए थे लेकिन उसके बाद भी ठंड या फिर ज़रा भी ठंडक का एहसास तक नहीं है. तो ये चारों तरफ पहाड़ों से एक आइलैंड पे घिरा हुआ टेंपल है
सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है आसपास और पानी, और ये एक अंदर बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर से एक ग्लिम्स दे देती हूँ, अंदर ज़्यादा वीडियो फोटोज अलाउड नहीं करते, सो आप बाहर से देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। सो पीसफुल। टेंपल से आने के बाद हमारे ये ब्यूटीफुल लेडी, शी इज वेटिंग फॉर अस, ये हमें वापस लेकर जाएंगे अभी, राइट? What name? Name? Your name? No, no. 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 अभी थोड़े से धूप कम हो गई है, वेदर अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, तो इस ब्यूटीफुल सी राइड के बाद वापस चलते हैं और आपके आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। मस्ती करते करते यार रेस लग चुकी है, देखते हैं कौन पहले जाता है। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है, अभी तक हम थोड़ा इंच से आगे हैं इनसे, पीछे एक और बोट आ रही है हमारी, लेकिन वो लोग हमें नहीं पकड़ पाएंगे, हम लोग थोड़ा आगे पहुंच गए। कम ऑन, ये वी आर विनिंग। इस लगी थी मस्ती मस्ती में, लेकिन हम इस रेस में जीत चुके हैं। तो ये पूरा राइड इंक्लूड होता है हमारे ट्रिप के अंदर, बट ये लोग इतनी मेहनत करते हैं इतनी गर्मी में, इतनी आगे तक 1 से 1.5 घंटा तक हम लोगों को एक राइड पे लेके जाते हैं, केव्स के अंदर लेके जाते हैं, इतनी देर तक बेचारे चप्पू चलाते हैं। अपनी तरफ से जो भी टिप हो सके प्लीज़ 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 इन लोगों को दीजिए, तो इतना तो इनके लिए बनता है। बाय। ये है हमारा 4th and final डेस्टिनेशन मुआ केव, जो सबसे बड़ा केव है। तो अभी अभी क्या सीन तुम्हारा? तो अभी ऐसा सीन है कि एकदम टॉप पे जाना है, और टॉप पे जाने के लिए 1000 steps जाना, 1000 steps वापस आना। मैं वापस जाती हूँ, बार इस बार देखती हूँ मुझसे ना हो पाई। तो ये तो इतना ऊपर चढ़ नहीं पाएगी, बिकॉज 1000 steps से इसको अस्थमा का इशू है, बट ये नीचे काफ़ी सारा साइट सीइंग है, काफ़ी सारा कुछ है देखने के लिए, तो आई थिंक इन्होंने जानबूझकर नीचे भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, सो दैट बहुत सारे लोग करेक्ट जो लोग जिनकी काफ़ी एज हुई है या जिनको प्रॉब्लम है अस्थमा का या हेल्थ इश्यूज है, वो लोग नहीं ट्रैवल कर पाते, तो वो लोग नीचे 1 घंटा वेट कर सकते हैं जैसे कि ये, और मैं ले चलूँगा आपको ऊपर। ये तो सुपर एक्साइटेड है ऊपर जाने के लिए, और मेरी हालत है टाइट। मैं ढूंढती हूँ मस्त स्पा, थोड़ी देर फुट मसाज कराती हूँ, इसको जाने देते ऊपर। फाइनली मुझे मिल गया है यहाँ पे एक स्पा, मैं तो जा रही हूँ अंदर। यहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पर आप लोग अच्छे लोकेशन पे अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो, बट मेरी तो देखो हालत अब नहीं हो रही है भाई, अब मुझसे ज़्यादा शूट नहीं हो रहा है। मैं तो जा रही हूँ स्पा में, मिलती हूँ आपको 1 घंटे के बाद, श्री जब नीचे आ जाता है। अगर वो कुछ ऊपर से शूट करके ले आया तो आपको विजुअल दिख जाएंगे, मैं यहाँ से आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ कि ऊपर कैसे जाना है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ से लोग ऐसे चढ़ के उस साइड पर जाएंगे। So, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है जर्नी, एंड बहुत ऊपर जाना है। अच्छा डिसीजन लिया हिमानी ने, वाई नहीं बिकॉज उसको अस्थमा है, बिकॉज अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो रही है, एंड अच्छे अच्छे लोग। आई टुक अ राइट डिसीजन नॉट टू गो अप, क्योंकि नॉर्मल लोगों का ये हाल है, तो मेरे जैसे अस्थमा पेशेंट का तो क्या ही होना था ऊपर जाकर। सो वहाँ से आए हम लोग पूरा चल के यहाँ तक, एंड हमको
वहाँ ऊपर तक जाना है। ये मुआ केव जाने के लिए इस आइलैंड पे इन्होंने एक अपनी ही दुनिया बना के रखी है। आप देखेंगे पहाड़ों से घिरा हुआ ये आइलैंड, यहाँ पर अंदर रहने के लिए आपके लिए रूम्स भी हैं, इस तरफ कैफेज हैं, इस तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और फिर आगे जाते हैं ऊपर की तरफ तो ये रास्ता जाता है मुआ केव्स के लिए। वो कहते हैं ना, दुनिया से दूर अपनी ही दुनिया में एक दुनिया बसाना। नौ सौ स्टेप्स हो चुके हैं, 100 बाकी। आपको यहाँ ऐसे बहुत सारे स्पॉट मिलेंगे जिसे पिक्चर परफेक्ट स्पॉट्स कह सकते हैं। जब तक श्री वापस नहीं आता तब तक यहाँ बैठ के मैं अपना कोकोनट वाटर एंजॉय करती हूँ विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो हिमानी वहाँ है, मैंने ये सीढ़ियाँ ली, फिर ये सीढ़ियाँ ली, फिर घूमते 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 1000 स्टेप्स ये ली, ये व्यू एंड सो 1000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मैं आया हूँ एक और स्पॉट पर जो कि और 50 स्टेप्स ऊपर जाकर है। एंड ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पर सब लोग नहीं जा सकते बिकॉज़ यहाँ पर आना बहुत रिस्की है, यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हमारे गाइड ने भी इनफैक्ट हमको मना किया था जाने के लिए, बट यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। रिस्क है बट इट्स ऑल वर्थ इट। गया कैसे तो रहा है कैसे? हाँ, ये एक फार्म है, लोटस फार्म। बस हमारा हो गया ये ट्रिप, ये टूर यहाँ ख़त्म। जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। तो इसी के साथ ये मज़ेदार सा निनबिन टूर होता है ख़त्म। और अगर आपको ये व्लॉग, ये टूर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Love and peace.